एवरीवन, वेलकम टू मान्या एजुकेशन। हम लोग अभी आपका चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है जी, अभी तक हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है 6 है और एटॉमिक वेट जो है 12 है। कार्बन टेट्रावेलेंट कंपाउंड है और इसकी लिविंग सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बन है नॉन मेटेलिक कंपाउंड है और ये आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनी। अभी हम लोग आज कार्बन के नेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज जो कार्बन है उसका बहुत वर्सेटाइल नेचर है। ऐसा क्यों कि कार्बन में दो बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जो कार्बन है वो लिविंग सिस्टम का, पूरी की पूरी लिविंग वर्ल्ड का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। अब कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में इसकी अमाउंट बहुत कम है, लेकिन जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग सिस्टम है, लाइफ है, उसके अंदर 18% जो है सिर्फ और सिर्फ कार्बन है। ऐसा क्यों? ऐसा है कार्बन की दो खास प्रॉपर्टीज़ की वजह से। कार्बन की एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी है, दो हैं एक्चुअली। द फर्स्ट वन इज कैटायनेशन एंड द सेकंड इज इट्स टेट्रावेलेंसी। ने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो कार्बन है वो बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली जितने भी लाइफ के स्ट्रक्चर हैं, एक सेल से लेके हमारे प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, हमारे न्यूक्लिक एसिड, सब के सब जो हैं कार्बन उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी, ऐसा क्योंकि कार्बन लाइफ के लिए जितने भी ज़रूरी मॉलिक्यूल है क्यों उनका पार्ट बनता है, वो है कार्बन की दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, दैट इज़ कैटायनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। अब इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही जो कार्बन है एक वर्सेटाइल मॉलिक्यूल बनता है। कैटायनेशन इसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि कार्बन जो है बहुत लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है। ऐसी कैटायनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में है, ऐसी आपको और किसी मॉलिक्यूल में देखने को, किसी एलिमेंट में देखने को नहीं मिलेगी। जो कार्बन है वो कार्बन के साथ भी और दूसरे मॉलिक्यूल्स, दूसरे एटम्स के साथ भी बहुत लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बना सकता है, जिस वजह से जो कार्बन है, जितने भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, उनका पार्ट बनने के लिए एकदम परफेक्ट है। द सेकेंड प्रॉपर्टी इज टेट्रावेलेंसी। आप लोगों को याद होगा मैंने पिछली वीडियो में ही कराया था कि टेट्रावेलेंसी का क्या मतलब है, दैट कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड। ठीक है जी, कार्बन कैन मेक 4 बॉन्ड्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो वैलेंस शेल है उसमें चार इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, वो चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है किसी के भी साथ, जिस वजह से जो कार्बन है बहुत यूनिक स्ट्रक्चर्स बना लेता है। तो चलिए अभी हम लोग बात करते हैं, हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज डिस्कस कर ली अभी तक सारी, दैट इज इट्स नॉन मेटेलिक, इट हैज टेट्रावेलेंसी एंड इट शो हाई अफिनिटी फॉर कैटायनेशन। लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन कैसे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन जो है दो तरह के कंपाउंड्स बनाता है। ओके, इट मेक टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। द फर्स्ट वन इज सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड द नेक्स्ट वन इज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है, वो बेसिकली ये है। अब सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनमें जो दो कार्बन होते हैं उनके बीच में एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हो। ठीक है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब है सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने आपस में शेयर किया है। और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें या तो कार्बन में डबल बॉन्ड हो या फिर कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। और कार्बन जो है, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन,
और नाइट्रोजन के साथ भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बनाता है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि मीथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, CH4, ठीक है जी, CH4। अब ये तो होगी बात मीथेन की, लेकिन अगर जो इथेन बनानी हो हमें तो उसका कैसा स्ट्रक्चर बनेगा और कैसे हम लोगों ने इसकी इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक एक सिंगल बॉन्ड बनाना है कार्बन के बीच में। इथेन वो मॉलिक्यूल होता है जिसमें दो कार्बन एटम्स हों, ठीक है जी। ये रहे हमारे दो कार्बन एटम। अब इसके बीच में हम लोगों ने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। आपको पता है कार्बन ने चार इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, एक तो यहाँ हो गया, अब इन दोनों के बच गए तीन तीन बॉन्ड्स, ठीक है जी। तो एक, अब इन सारी वैलेंसीज को हम लोग हाइड्रोजन के साथ स्टेबल कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा इथेन, दैट इज C2H6, ठीक है जी, C2H6 इथेन। लेकिन क्या होगा अगर हमें कंपाउंड बनाना हो C2H4, ठीक है जी, C2H4। तो अब हम क्या करेंगे, कार्बन लिया, ठीक है जी, अब हाइड्रोजन लगा दिए दोनों को, दो लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो खाली रह गया। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग कार्बन में डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है जी। तो इस तरह देखिए 1, 2, 3, 4 कार्बन के चारों जो शेल्स हैं वो बैलेंस हो गए हैं, कार्बन स्टेबल हो गया है। तो ये बन गया हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। देखिए जो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड था वो था इथेन, ठीक है जी, वो था इथेन। अब ये अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड है, इसमें दो बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के बीच में, तो दिस इज इथीन, ENE। अब तब क्या होगा अगर कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो, ठीक है जी, ट्रिपल बॉन्ड, तो तब वहां पे लगेगा सुफिक्स आइन, YNE, ठीक है जी। और इस तरह से बने जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है जी। कार्बन और हाइड्रोजन से बने कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको बता दें जो कार्बन है वो चेन्ड स्ट्रक्चर भी बनाता है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी बनाता है और ये रिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाता है, ठीक है जी। कार्बन से हमें कैसे कैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, चेन्ड स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर और रिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। जब भी हम लोगों ने कार्बन के कंपाउंड बनाने हैं सबसे पहले हम लोगों ने कार्बन और कार्बन का आपस में बॉन्ड बनाना है, इनके बॉन्ड बनने के बाद फिर हम लोगों ने हाइड्रोजन से बचे हुए प्लेसेस को बैलेंस कर लेना है, बचे हुए शेल्स को बैलेंस कर लेना है। कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं होते हैं यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको बनाने का भी एक खास तरीका होता है। उसके अलावा इनकी नेमिंग के लिए भी एक बकायदा नॉमनक्लेचर बना हुआ है, ठीक है, एक खास रूल्स के अकॉर्डिंग ही कार्बन कंपाउंड्स की नेमिंग की जाती है। तो उसमें आपको सबसे पहले याद करनी होती है काउंटिंग, ठीक है जी। जो कार्बन हमारा चेन होता है, कार्बन चेन के अकॉर्डिंग इसका नाम मीथेन, इथेन, ब्यूटेन इस तरह से रखा जाता है। आपको याद होगा जो हमने ये स्ट्रक्चर बनाया था ये है हमारा मीथेन, सिंगल चेन सिंगल कार्बन वाला स्ट्रक्चर है तो ये था मीथेन, ठीक है जी। आपके लिए क्या, अगर एक कार्बन हो देन इट इज मिथ, दो कार्बन हो तो इथ, तीन कार्बन हो तो प्रोप, चार कार्बन हो तो ब्यूट, पांच कार्बन हो तो पेंट, छह कार्बन हो तो
हेक्स। और इसी तरह 7 कार्बन होने पे हेप्ट, 8 कार्बन होने पे ऑक्टेन, 9 कार्बन होने पे नन और 10 कार्बन होने पे डेका। इस तरह के प्रीफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर जो कार्बन है, कार्बन के दो कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो तो हमारा जो सुफिक्स है वो लगता है एन, अगर डबल बॉन्ड हो तो ईन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन। इसके अलावा एक चीज़ आप लोगों को और याद रखनी है कि जो बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, इन तीनों की लेंथ भी वेरी करती है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये जो तीनों ही बॉन्ड्स हैं इनकी लेंथ वेरी करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने बॉन्ड्स ज़्यादा होंगे उतनी ज़्यादा होगी अट्रैक्शन। ठीक है जी, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे उतनी ज़्यादा होगी अट्रैक्शन, और जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन होगी उतने ही कंपाउंड्स के बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होंगे, सिंगल बॉन्ड शॉर्ट और ट्रिपल लेंथ से लॉन्ग। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है उसमें वो होगा सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड। तो ये अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कार्बन के कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर स्टडी करेंगे। आप लोगों को कोई भी